और यहाँ देखिए इन्होंने क्या लिया है आज, ये लिए हैं चने, पोले चने, राजस्थान के मसूर चने, भुनने में पोले गए, वो तो हमें तो पता नहीं क्या के छोले। और यहाँ पे ये ले लिए, बहुत अच्छे देता है ये, राजस्थान से आता है, रोज लगभग तीसरे चौथे दिन तो आ ही जावे है, और बिल्कुल गरम गरम है, बढ़िया, और कुरकुरे हैं, तो ये ले लिए, ये हेल्दी भी होते हैं खाने के लिए और सभी ना खा भी लेंगे ये रोहिणी। क्या कुरकुरे खुआ जाओ बच्चों को, सही गुड़ चना खुआ करो, गुड़ चना सही है, फिर सबसे बढ़िया हेल्दी चीज है। तो ये कुछ तो डब्बे में करके रख देंगे, कुछ ये अलग कर दूंगी, पहले ये खा लेंगे फिर, वरना तो अगर खुले रखेंगे इनको सील जाएंगे ये, दूसरा डब्बा दे रही हूँ मैं अभी। और यहाँ डेली के खाने के लिए इसमें कर लिया छोटे वाले जार में, तो इसमें से अभी लेते रहेंगे, फिर ये खत्म होगा इसमें डालते रहेंगे। ले ले ईशू खा, और आज ईशू ना कुछ नहीं खाया सुबह से, बिल्कुल भी दूध पानी रोटी कुछ नहीं खाया, खाया नहीं ना, बस बनाना भी आधा ही तो खाया। अच्छा, और इधर बस मैं बनाने लगी खाना, आज इसने सुबह से ही डिमांड कर रखी, सुबह से क्या कल से कि मुझे राजमा खाना, तो फिर सुबह ही मैंने भिगोया, जैसा उठिया कहने लगी उठ के कि मम्मा राजमा बना दिया गया, तो मैंने तो सुबह शिमला मिर्च बनाई थी, तो फिर सुबह ही भिगोया था, और इसमें मैंने वो भिगोई डाल के, दाल जो काली दाल नहीं होती है, क्योंकि राजमा था ये कम इस वजह से, तो अब मैं इन्हें रख दूंगी उबलने के लिए, नमक मैंने डाल दिया। और इधर इसके पापा बना रहे हैं नींबू पानी, बना रहे क्या बना रहे, रोटियां, नींबू पानी मुझे नुकसान दे रहा है, मेरा नजला हो रहा, हो भी नहीं रहा नुकसान दे, फिर छींक आनी शुरू हो जा, रोज बना दो सारा को, अभी पी लगी इसके लारे से एक गिलास पानी, अन्नी पीती नहीं पानी, जूस ला दो। अरे उसने पता पूतना क्या कर रखा कल का, नहीं देखा क्या? वो जूस की जो बोतल रखी थी मैंने सोचा ला ईशू को दे दू, इसमें से मैं देने लगी, वो फ्रिज में तो उठा कर देखा क्या, उसमें तो पानी भरा का पानी है इसमें, आप ही तो सुबह कह रहे थे कि आज उसकी बोतल बाहर रख दे, ईशू पिएगी फिर ठंडी ना दी है उसे, अरे उसमें देख कितना दिमाग चला रखा, जो जूस होगा वो पी लिया होगा, बस उनने क्या पता पिया, पानी भर कर रख दिया, सच में ही बड़ा कलाकार है पूरा कृष्णा, तो उसमें हमने भी नहीं ध्यान दिया, वो तो जब सुबह में उसे देने लगी मैं कहा दूध तो या पीती नहीं, जूस दे दू, देखा गिलास भरी दाग तो पानी निकला, जब देखा इसलिए पानी पिला दे दो, रोजा हमने पी लिया है सबने, और बस देखिए मैं लगी हूँ अपने काम पे, और कृष्णा और ईशू दोनों घूम रहे हैं यहीं पे, ये मंडे वाले दिन की वीडियो, तो ईशू नहीं गई थी स्कूल इस वजह से, तो दोनों बहन भाई अपना यहीं लग रहे हैं, और मैं ये चोपर से प्याज कर रही ना, चोप कर रही, तो ईशू को तो पता ही आपको क्या रहता ही है कि यही मुझे दे दो मम्मा मैं करूंगी, तो वो मैंने नया चोपर निकाला तो थोड़ा सा वो सेट सा नहीं हो रहा, तो उससे हुआ नहीं, और कृष्णा देखे खड़ा है ताक में, वो सोच रहा कि बस ईशू भी छोड़ दे और मम्मा भी छोड़ दे, बस मेरे हाथ में दे दे, तो यहाँ मैं उसको कह रही भाई हट जा साइड में, क्योंकि उसकी आंखों में झाल लग रही थी प्याज की इस वजह से, तो यहाँ जैसा कैसे मैंने दोनों को हटा दिए, और बस अब लगाने लगी हूँ तड़का, वो ही मैंने जो दाल और राजमा मिक्स करके उबाल लिया है उसमें ही लगाऊंगी, तो यहाँ प्याज चॉप कर ली है चोपर में, और बस ऑयल चढ़ा लिया, उसमें धनिया जीरा डाल के प्याज भून लूंगी, और खाना मैं आज उधर के लिए भी बनाऊंगी, और इसलिए क्योंकि इंदु की पता ही आपको तबीयत खराब हो रही, और आप सब काफी दिन से पूछ रहे, मतलब कल भी पूछ रहे थे, काफी सारे कमेंट आ रहे थे कि इंदु की वीडियो क्यों नहीं आ रही है, तो आपको बता दूं उसकी तबीयत खराब है, इस वजह से वो वीडियो नहीं डाल पा रही, ना तो वीडियो बनती फिर तबीयत खराब होती है, और ना डाल पाती इस वजह से, तो वो उसकी तबीयत ज्यादा खराब है, तो थोड़ा बहुत वो उठती है काम करती है फिर वो लेट जाती है, फिर देखो थोड़ा काम करेंगे तो वो भी जरूरी है, और है तो ये वीडियो का भी जरूरी, लेकिन जब अपनी तबीयत ठीक नहीं होती फिर वही हो जाता है, और वीडियो एडिट वगैरह सारा कुछ वही कर देती है, वही करती है मतलब वहां पे, यहाँ पे तो यह है कि अगर मेरी तबीयत खराब हो तो गुड्डू के पापा एडिटिंग वगैरह कर देते हैं, बल्कि उधर तो इंदु को ही करनी पड़ती है इस वजह से, तो वो नहीं आ रही उसकी वीडियो, बाकी वो उसकी जैसी तबीयत ठीक होगी उसकी वीडियो आ जाएगी।
तो यहाँ देखिए मैं खाना भी बना रही, उधर के लिए भी बनाऊंगी, उधर भी भेजूंगी। तो एक गैस पे मैंने रख दिए हैं चावल बनने के लिए, दूसरे पे मैं तड़का लगा रही हूँ, प्याज वगैरह भुनने लग रही। और यहाँ ये चोपर जो मैं बता रही थी, ये नया निकल रहा ना मैंने, तो ये मेरे से सेट सा नहीं हो रहा अच्छे से, इससे मेरे से चोप नहीं हो रहे थे। तो या फिर भैया आ गए थे नीरज भैया, तो वे उन्होंने कर दिया सेट सा करके। कुछ चीज होती है ना, कितनी कोशिश कर लो अपने से होता नहीं, दूसरा आदमी फिर भी उसको सेट सा करके कर देता है। और इधर बाहर बैठे हैं तीनों भाई, गुड्डू के पापा भी, चाचू भी दोनों, तो और मैं लग रही किचन में। तो यहाँ मेरे दोनों चीज साथ साथ चल रहे, बातें भी और काम भी। इधर मुझे खाना बनाने की लग रही कि खाना बनाना, और उधर उनकी कुछ बातें चल रही है, तो उसी का डिस्कशन चल रहा है हमारा कि क्या मतलब, बात ही कर रही हूँ उनके साथ साथ मैं भी। मैं रसोई में सही अपनी मतलब पूरी अटेंडेंस लगा रही, और वे तीनों भाई बाहर बैठे, तो यहाँ बातें भी चल रही और काम भी हो रहा। तो बस धीरे धीरे अपना खाना भी बनता जाएगा, और टमाटर वगैरह डाल के मैंने इसमें मसाले डाल दिए, वो पक जाएंगे। और फिर उसके बाद इधर पानी जो रखा था चावलों का, वो भी उबल गया, उसमें मैंने चावल डाल के छोड़ दिए हैं, तो अब वो भी उबल जाएंगे। तो इधर चावल हमारे उबल चुके हैं, और बस अब मैं इनमें से निकाल दूंगी मांड। और आज फिर देखे मेरे से वही गलती हुई जो पहले आप रोक भी रहे थे कि ये जो मांड है ये यूज मत किया करो, लेकिन आज फिर मेरे से क्या, मुझे आदत हो रही ना पहले से ही कि जैसा हम मांड निकालते हैं, दाल वगैरह अगर कुछ बनाते हैं तो उसमें डाल लेते हैं। तो यहाँ जैसा ही मांड निकला तो मैंने वो उठा के राजमे में डाल दिया, क्योंकि वो गाढ़ा सा हो रहा था, उसमें मुझे पानी डालना था, मेरे दिमाग से निकल गई वो बात। तो इसके लिए सॉरी, आगे से मैं ध्यान रखूंगी। बस जैसा बातों में लग रहे थे ना, तो दिमाग में से निकल गया, और जब मैंने डाल दिया, जब मेरे याद आया, मैं कहा ये मुझे डालना नहीं था, गर्म पानी डालना था। तो जी खैर, चलो आज के लिए सॉरी, अब मैं ध्यान रखूंगी। और यहाँ देखिए खाना बन के तैयार हो गया, चावल भी बन गए, राजमा भी बन गया हमारा, चाहे दाल मखनी कह लो, राजमा कह लो, और साबुत उड़द कह लो, कुछ भी कह लो, मतलब मैंने सिंपल से ही तरीके से बनाया, ज्यादा कुछ नहीं। बस वो ईशु को जिद लग रही थी ना, इस वजह से। तो यहाँ बस मैं तीनों भाइयों का खाना लगा दूंगी, और बच्चों का भी दोनों का, कृष्णा का और ईशु का। तो देखिए तीनों की थाली कर दूंगी तैयार। तो तीनों की सबको दे दिया है खाना। ये दोनों भाई सोफे पे बैठे और कन्हैया बैठा नीचे। असल में क्या है, कन्हैया सोफे पे बैठ के अच्छे से खाना नहीं खा पाता, वो कम ही बैठता है, खाना खाया नहीं जाता उससे। तो या तो वो बेड पे बैठता है या नीचे है। बेड पे आप सब बोलते हो कि बैठ के खाना नहीं खाना चाहिए, तो इसीलिए उसने मैट बिछा ली नीचे, तो वो मैट पे ही खा रहा बैठ के। और ईशु बैठी है, कृष्णा, इसके चाचू और ये गुड्डू के पापा, तो सबका चल रहा है। तो ये खा लेंगे, फिर मैं उधर के लिए भी लगा दूंगी दुकार बच्चों का दोनों का, क्योंकि बच्चे भी आने वाले हैं स्कूल से दोनों, ईश और रूही और पीहू, और गुड्डू तो यहीं पे ही आ जाएगी। तो उधर इसके चाचू खाना खा के उनका लेते जाएंगे। तो मैं फिर बनाने लगी थी रोटी, साथ साथ बस मैं गर्मा गर्म रोटी भी देने लगी हूँ इनको, और इनका चल रहा है खाना। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो देखिए दोस्तों, आज दिन है मंगलवार और तारीख है 16 मई, और सुबह के 6:15 बज गए। भाग दौड़ स्टार्ट होगी सुबह ही 5:30 बजे तक, क्योंकि बच्चों को आज जाना है स्कूल, और ईशु का तो आज विशेष स्कूल है। ईशु आज अपने आप ही उठकर अपने आप ही भाग दौड़ अपने आप ही कर रही, जैसे रोज ठाने पड़े था ना, आज नहीं ठानी पड़ी थे, क्योंकि उसका विशेष दिन है आज। आज उसे उसकी पढ़ाई नहीं होने की, आज मौज मस्ती का दिन है उसका स्कूल में। और यहाँ आंसू लग रही उसकी तैयारी में, क्या कर दिया से? सोच रही कुछ रहा तो नहीं, सामान दे दी। ये मसाले इनका क्या करेगी? ये सारे ले जाने आज, अब इनका छोटे पैकेट मिले नहीं। ये चटनी है, हरी चटनी, लाल चटनी, नमक, काला नमक, और ये जीरा पाउडर, और ये भुजिया, ये दही, और इसमें है धनिया पत्ती। आपको क्या लगता है मैं क्या सीख के आऊंगा स्कूल से? और ये अनार के दाने,
यू ही सोच रही, और ये कटोरी चम्मच और ये प्लेट और इसमें है ब्रेड और टिशू और दो बोतल पानी ले जानी, और वही सोच रही कि कुछ और देख के बेटा कुछ खा तो नहीं कभी मैं वहां जाके गैस मम्मी और दी आई होगी। होटल खोल लोगे क्या वहां तो में? तो है ये तो है एप्रन ऊपर की गांठ लगा दे इसकी। तो क्या कह रही थी ईशु तू? आज तो छुट्टी कर ले। क्या कह रही थी अभी? हम क्या बना सकते हैं इन सब चीजों से स्कूल में, क्या सीख सकते हैं? अच्छा अच्छा, तो मैडम सिखाओगी तुम्हें कुछ खाना बनाना? हाँ, इनका खेल कूद का भी है, कुछ इनसे बनाना सिखाओगी, ले कुकिंग का भी है आज। और वो बॉयज को कुछ और दे रखा होगा, बॉयज को कुछ और दे रखा होगा कि वही खाना ही बनाना होगा भी? उन्हें भी बस हमारे ग्रुप चेंज है। अच्छा, ग्रुप बना रखे है, एक ग्रुप को कुछ और बनाना, एक को कुछ और। तो रूही भी वही ले जाएगी फिर तेरी क्लास में? हो अच्छा, ग्रुप चेंज है उसका। ये देख ब्रेड और टिश्यू उन्हें इसमें रखती है, ठीक है, ये ले लिए। जो सामान बच जाएगा लिया, ये काम आ जाएगा। हाँ, मैं बाप के दिन भी तो है कुकिंग। अच्छा, वो कई दिन लो चलेगी? तीन चार दिन लो? पांच दिन है तो तेरा तो मजा आ गया, रख दे चल फटाफट। है कह रही थी वही सामान देना और ये बनाने लगी? नहीं, रोटी तो बनानी। अच्छा, लंच भी देना? फिर वो कौन खावेगा जो ये बनावेंगे सवाल? तो बनाना सीखेंगे, तो उसके भरोसे थोड़ा ही रहेंगे बच्चे वहां से। अच्छा, हैरी देना मतलब सब्जी रोटी वगैरह अच्छे से देनी, क्योंकि भाग दौड़ ज्यादा होगी आज इस वजह से। अच्छा अच्छा, इनके खेल भी होंगे? हाँ, तो हस्ती का ही है पूरा, क्या होगा, पूरी एक्साइटेड हो रही है। तो कैसा लग रहा है ईशु? अच्छा, मजा आ रहा? मुझे भी पूछ लो कैसा लग रहा। तुझे कैसा लग रहा? तू तो सौते सुंदरी सी हो रही, ना लियर ना कभी ऐसी लग रही जानो ही भी उठी है। मैं क्या करूंगी स्कूल जाके आज? हाँ, पेपर में दे अम्मा, चल तू यहीं बैठ। हाँ। पेपर है नहीं मेरा, हो गया खत्म। क्या है फिर आज? एक्स्ट्रा क्लासेस है इस बार, टेंथ है ना, तो कुछ तो पढ़ावेंगे मैडम। हाँ, तो फिर मैं क्या करूँगी स्कूल जाके? क्या करा कर रहे हैं बच्चे स्कूल जाके? पढ़ाई। हाँ, ये सब बता अपनी दीदी को। और ईशु देखे तैयार है और पूरी एक्साइटेड है जाने के लिए। ये देखो, बस वो कह रही चाचू चलो जल्दी होगी तैयार। और आज इसकी एक्टिविटी ड्रेस पहन के जानी इसको, उद्दू की तो अपनी वही है। बाय बेटा, बेस्ट ऑफ लक।